नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 4 मार्च। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप बिहार के बारे में जानना चाहते हैं और बिहार के इतिहास या फिर भूगोल या फिर बिहार से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल रूबरू बिहार पर पोस्ट किए जा रहे वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की सुर्खियों की ओर। बिहार के इन जिलों में चलेगा सर्च एंड अरेस्ट ऑपरेशन। बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा के लिए जारी किया अपना आंसर की। बिहार में कई आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। मजदूरों के निबंधन में बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर। भारतीय टीम के टेस्ट क्रिकेट में सफलता का श्रेय विराट कोहली को। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के इन जिलों में चलेगा सर्च एंड अरेस्ट ऑपरेशन। होली का त्योहार आने में अब बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है। ऐसे में जान छलकाने वालों की लंबी फेहरिस्त भी नजर आने वाली है। इसी को लेकर अभी से ही सुरक्षा व्यवस्था टाइट की जा रही है। होली को देखते हुए ही पटना, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में 24 घंटे ड्रोन से शराबियों की निगरानी होने वाली है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार की इस तीसरी आंख की नजर रात को भी रहने वाली है। इसको लेकर बिहार के इन तीनों जिलों में अवर निरीक्षक और निरीक्षक समेत मद्य निषेध विभाग के 21 अफसरों की तैनाती का काम कर दिया गया है। इसमें ही मुजफ्फरपुर के 10, पटना में 7 और वैशाली में 4 अतिरिक्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी पदाधिकारी और कर्मी 23 मार्च तक इन जिलों में प्रतिनियुक्त रहेंगे। पटना, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले को शराबबंदी को लेकर ज्यादा संवेदनशील माना गया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की। फणीश्वर नाथ रेणु प्रेमचंद के बाद के युग में आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे सफल और प्रभावशाली लेखकों में से एक थे। वो मैला आंचल के लेखक हैं, जिसे प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण हिंदी उपन्यास माना जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार में सिमराहा रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से गाँव और हिंगना में हुआ था। जिस मंडल समुदाय से रेणु ताल्लुक रखते हैं वो भारत में एक अल्प विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक समूह है। हालांकि रेणु के परिवार ने भूमि, शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा के लाभ का आनंद लिया। रेणु के पिता शिलानाथ मंडल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे और एक अत्यंत प्रबुद्ध व्यक्ति थे, जो आधुनिक विचारों, संस्कृति और कला में गहरी रुचि रखते थे। फणीश्वर नाथ रेणु समकालीन ग्रामीण भारत की आवाज को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। अगले साल से शुरू हो जाएगी नेपाल और भूटान विमान सेवा। नेपाल और भूटान विमान सेवा की शुरुआत अगले साल से शुरू होने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि पटना में नया टर्मिनल साल 2023 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इसके बन जाने से बहुत से काम तेजी से होने की भी उम्मीद है। मिली जानकारी के अनुसार नया टर्मिनल बनने के साथ ही पटना से शॉर्ट डिस्टेंस के अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने संचालित की जा सकेंगी। टर्मिनल तैयार होने के बाद पटना से नेपाल और भूटान तक की विमान सेवा शुरू होगी। इसको लेकर जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निदेशक BCH नेगी ने कहा है कि बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़े व्यवसायियों के साथ बैठक में कई बातें कही गई हैं। उन्होंने ही बताया है कि पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा होने के कारण यहां से 3 घंटे से ज्यादा दूरी की अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट शुरू नहीं हो सकती है। बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा के लिए जारी किया अपना आंसर की। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 की आंसर की को बीते दिन जारी कर दिया है, जिसको कि सभी परीक्षार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार आंसर की प्रश्न पत्र में पूछे गए 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जारी की गई है। अगर किसी भी छात्र को बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किए गए आंसर की में किसी भी तरह की आपत्ति नजर आती है तो वो 6 मार्च तक 5 बजे तक ऑनलाइन मोड में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ध्यान रहे, को लेकर बोर्ड ने कहा है कि 6 मार्च के बाद किसी भी माध्यम से प्राप्त कोई भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में कई पदों पर भर्ती की बढ़ी आवेदन तारीख। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने नर्सिंग, ट्यूटर और टूरिंग वेटरनरी मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए कुछ समय पहले ही आवेदन की मांग की थी, जिसके लिए आवेदन भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। जिसके बाद ही BTSC बिहार भर्ती 2022 के लिए उम्मीदवार 5 मार्च 2022 तक अब आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 फरवरी 2022 थी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत ही कुल 958 पदों को भरा जाएगा, जिसमें नर्सिंग ट्यूटर के 216 पद और टूरिंग वेटरनरी मेडिकल ऑफिसर के 742 पद शामिल है। जिसके बाद ही अब सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राहक सेवा
एजेंट के कुल मिलाकर 1095 पद पर आवेदन की मांग की है। इसके साथ ही अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट igiaviationdelhi.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार सरकार रखरखाव से वंचित संपत्तियों को अब करेगी चिन्हित। बिहार के सभी वंचित संपत्तियों को लेकर अब बिहार सरकार चिंतित नजर आ रही है। यही कारण है कि इन संपत्तियों को चिन्हित करने के लिए बिहार सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना बना रही है। हालांकि ये योजना बिहार सरकार पहले भी बना चुकी है, लेकिन राज्य के किसी प्राधिकार की तरफ से इसके रखरखाव को नहीं किए जाने में परेशानी बढ़ी है। हालांकि अब एक बार फिर से बिहार सरकार ऐसे जमीन को चिन्हित करने की योजना बना रही है। इस बाबत बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सदन को सूचित किया है कि सभी जिला योजना अधिकारियों को पिछले 10 सालों में अपने अपने जिले में KVY के तहत बनाई गई ऐसी संपत्तियों की एक विस्तृत सूची तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसका रखरखाव राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। बिहार में कई IPS अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार प्रशासनिक महकमे में इस समय बड़ी खबर बीते दिन सामने आई थी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस बार 2 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया। गृह विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार 2010 बैच के अधिकारी अभय कुमार लाल, जो कि वर्तमान में लोकायुक्त कार्यालय में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे, स्पेशल ब्रांच का पुलिस अधीक्षक उन्हें नियुक्त किया गया है। वहीं स्पेशल ब्रांच के पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात 2012 बैच के IPS अधिकारी राकेश कुमार सिन्हा को लोकायुक्त कार्यालय में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात किया गया है। साथ ही राज्य पुलिस सेवा में प्रमोशन मिलने वाले में 4 पदाधिकारियों को इंडक्शन कोर्स के लिए भेजने के फैसला लिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में प्रमोशन पाने वाले सैशव यादव, विद्यासागर, अनंत कुमार रॉय और राकेश कुमार को इंडक्शन कोर्स में शामिल होना होगा। दिन में रहेगी तेज धूप, रात में भी ज्यादा नहीं गिरेगा बिहार का तापमान। बिहार का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन सुबह से ही धूप का तेवर देखना शुरू हो गया था। दिन बढ़ चढ़ने के साथ ही धूप और तेज हो गई, जिसके बाद ही प्रदेश का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम पारा 12 से 14 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में क्रमिक वृद्धि देखने को मिल रही है। होली के आसपास अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 से 6 डिग्री वृद्धि के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा की माने तो प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और दक्षिण मध्य भाग के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद के हिस्सों में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। बिहार पुलिस को स्मार्ट बनाने में जुटी राज्य सरकार। बिहार सरकार अब बिहार की पुलिस को स्मार्ट बनाने का काम करने वाली है। इसको लेकर ही सरकार ने साल 2022-23 के बजट में पुलिस भवन निर्माण के कार्य में तेजी लाने के लिए 459.06 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। इन पैसों से बिहार के 300 थानों को नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। इन राशि को थाना और ओपी भवन के साथ पुलिस के लिए जरूरी अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर खर्च किया जाना है। उम्मीद है कि जल्द ही इन 57 थानों के लिए भी भूमि चिन्हित की जाएगी और नया भवन बनाया जाएगा। बता दें कि जो नए भवन थानों के लिए बनाए जा रहे हैं वो Z+3 रहेंगे। इसमें थानों के अलावा बिहार पुलिस में भर्ती महिलाओं की आबादी को देखते हुए महिलाओं के लिए बैरेट शौचालय और उनके बच्चों के लिए क्रेच होम होगा। बिहार में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस कम करने का उठा मामला। रूस और यूक्रेन के बीच उठे विवाद के कारण बिहार से मेडिकल की पढ़ाई करने बाहर गए छात्रों को वापस बिहार सरकार लाने का काम कर रही है। हालांकि इन सबके बीच ऐसी बातें भी उठ रही हैं कि बिहार से बाहर मेडिकल के बच्चों को भेजने के पीछे का मूल वजह है, इस पर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि अभिभावकों ने ही आरोप लगाया है कि बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस ज्यादा देनी पड़ती है। इस मामले को लेकर बीते दिन बिहार विधानसभा में खूब बहस हुई। इसको लेकर जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार समेत अन्य सदस्यों की तरफ से सदन में ध्यानाकर्षण सूचना लाई गई थी। इस पर ही सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया। जदयू विधायक ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को होने वाले खर्च का मूल्यांकन कर फीस का निर्धारण किए जाने की बात कही है। बिहार फायरमैन भर्ती के एडमिट कार्ड इस दिन से कर सकेंगे डाउनलोड। बिहार फायरमैन भर्ती के एडमिट कार्ड को जारी करने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दी गई है, जिसके तहत ही केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार ने नोटिस जारी कर कहा है कि अग्निशमन सेवा में फायरमैन की 2380 भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड 15 मार्च 2022 से उपलब्ध होने की बात कही गई है, जिसके बाद ही अब अभ्यर्थी csbc.bih.nic.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि परीक्षा का आयोजन 27 मार्च 2022 को 2 शिफ्टों में होगा। खबर के अनुसार पहली शिफ्ट सुबह 10 से 12 और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगी। एग्जाम सेंटर की लिस्ट 16 मार्च को वेबसाइट पर जारी होगी। त्रिपुरारी शरण और फूलचंद्र चौधरी बने बिहार के सूचना आयुक्त।
बिहार सरकार के पूर्व मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण और सेवानिवृत्त न्यायाधीश फूलचंद्र चौधरी को सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार त्रिपुरारी शरण और फूलचंद्र चौधरी की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर इनकी नियुक्तियां पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावित होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि त्रिपुरारी शरण बिहार के पूर्व मुख्य सचिव पद से 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। पूर्व न्यायाधीश फूलचंद्र चौधरी भी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली 30 सदस्यीय चयन कमेटी की बैठक में दोनों सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में फैसला लिया गया है। सातवें चरण की बहाली को लेकर शिक्षकों ने दिया धरना। बिहार में शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि अब तक तो सरकार की तरफ से सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को छठे चरण के तहत नियुक्ति पत्र दे दिया गया था, जिसके बाद ही शिक्षा विभाग ने ये भरोसा दिलाया था कि सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद ही अब शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा है। इसको लेकर ही बीते दिन से शिक्षक अभ्यर्थियों ने 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। इस धरना प्रदर्शन को माले के पालीगंज विधायक संदीप सौरभ का भी साथ मिला। इस दौरान संदीप सौरभ भी धरना स्थल पर पहुंचकर अभ्यर्थियों की आवाज को विधानसभा में पहुंचाने की बात कहते देखे गए। नवादा के ककोला जलप्रपात में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। नवादा जिले से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाले प्राकृतिक पर्यटन स्थल ककोला जलप्रपात की खूबसूरती को निहारने देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं और मौज मस्ती करते हैं। इसे बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में फ्रांसिस बुकानन ने 1811 ईसा में इस जलप्रपात को देखा था। अगर आप यहां आने की सोच रहे हैं तो गर्मी के दिनों में ही आए, क्योंकि यहां का पानी हमेशा ठंडा ही रहता है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को यहां 5 दिवसीय सतुवानी मेला भी लगता है, जिसमें लोग भारी संख्या में आते हैं। मजदूरों के निबंधन में बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के निबंधन में बिहार देश भर में स्थान पर है। इसकी जानकारी खुद बीते दिन श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने दी है। इस बाबत उन्होंने बताया है कि बिहार का लक्ष्य 3.49 करोड़ मजदूरों के निबंधन का है। अब तक 2.76 करोड़ का निबंधन हो चुका है। 31 मार्च तक लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री विधान परिषद में जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के मजदूरों का ई पोर्टल पर निबंधन होता है। इनमें ऐसे क्षेत्र के मजदूर हैं जिनका ना तो पीएफ कटता है और ना ही ईएसई का लाभ मिलता है। प्रश्न में विभिन्न वर्गों के निबंधित मजदूरों की संख्या मांगी गई थी, लेकिन मंत्री ने कहा कि निबंधन के दौरान किसी की जाति और वर्ग नहीं जानना होता है। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में चलेगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी अवैध तरीके से कब्जे वाले घरों पर सरकार बुलडोजर चला देगी। बता दें कि बिहार विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री रामसूरत राय ने अपनी ये बात कही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अवैध संपत्ति को कब्जा करने को लेकर कई मामले सामने आए थे, जिसके बाद से बुलडोजर शब्द चलन में आ गया। यहां तक योगी आदित्यनाथ अपनी चुनावी सभा में भी अब तो बुलडोजर लेकर आते हैं। दरअसल हुआ यह है कि सीपीआईएम के विधायक अजय कुमार ने अपने जिला खगड़िया को लेकर सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि बास की 5 डिसिमल जमीन दलितों को दी गई थी, लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा स्थानीय थाने में मिलकर वहां पर एक पक्का मकान बना लिया गया है। विधायक अजय कुमार ने कहा कि इस मामले में जब जांच की गई तो इसमें गड़बड़ी पाई गई। इस पर विधायक अजय कुमार ने कहा कि इस मामले की जांच कराने की जरूरत है। इसके बाद वैसे अगर कोई भी खबर सामने आती है तो बुलडोजर चलना तय है। तारकिशोर प्रसाद ने पुराने किसानों को दिए गए केसीसी के जारी किए आंकड़े। राज्य में 2021-22 में अब तक 11,67,863 किसानों को केसीसी जारी किया गया। इसकी जानकारी बीते दिन उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने खुद दी है। तारकिशोर प्रसाद की तरफ से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार इसमें नए और पुराने का नवीनीकरण दोनों शामिल है। सरकार हर एसएलबीसी की बैठक में केसीसी पर जोर देती है, नतीजा इसकी संख्या में वृद्धि हुई है। इस दौरान उन्होंने बताया कि इसी साल दिसंबर तक 1,38,303 नए किसानों को केसीसी दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि साल की दूसरी तिमाही समाप्त होने तक राज्य का सीडी रेशियो 47.71% था, जो तीसरी तिमाही में बढ़कर 50.18% हो गया। बैंक किसानों को वार्षिक योजना के अनुसार लोन दे रहा है। राजद खेमे से पूर्व विधायक गुलाब यादव को पार्टी ने निकाला बाहर। राजद खेमे में बीते दिन बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जिसके तहत ही राजद ने पूर्व विधायक गुलाब यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार गुलाब यादव पार्टी विरोधी कार्यों में लगातार संलिप्त नजर आ रहे थे। यही कारण है कि उनको बेदखल किया गया है। इसको लेकर ही राजद ने नोटिस भी जारी किया। जारी किए गए नोटिस में ये लिखा गया है कि बिहार प्रदेश राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह की तरफ से निष्कासन की अनुशंसा के आलोक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के आदेशानुसार आपको दल से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के बहाने फिर से उठी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग। बीते कई दिनों से बिहार को वैसे ही विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई जा रही है।
इसी बीच बीते दिन एक बार फिर से इसकी गूंज बिहार विधानसभा में सुनने को मिली, जब नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने सरकार से जवाब मांगा कि राज्य में जब आर्थिक विकास दर ऊपर है तो फिर नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार क्यों अलग अलग पैरामीटर पर पिछड़ा हुआ है, अगर सही है तो सरकार के अनुरूप बिहार को विशेष मदद मिल पाए, इसको लेकर राज्य सरकार क्या पहल कर रही है। इसको लेकर ही नीरज कुमार ने सवाल पूछा, जिसके जवाब में प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया कि विधान परिषद में राज्य सरकार के मौजूदा विकास दर की चर्चा के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में नीतीश सरकार की तरफ से हासिल की गई उपलब्धियों की चर्चा काफी तेज है। पप्पू यादव ने तेजस्वी को कहा चिरकुट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सत्ता पक्ष के लोग आए दिन कई नसीहत तो जरूर देते हैं, लेकिन कभी कभी विपक्ष की तरफ से भी कई नसीहत देखने को मिल जाती है। इसी कड़ी में जब सुप्रीमो पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को चुल्लू भर पानी में पहले तो डूबने की नसीहत दी, ये नसीहत का ऐलान उन्होंने बीते दिन पटना में कार्यकर्ताओं के साथ बुलाई गई बैठक में की। इस दौरान उन्होंने सदन पर भी कई सारे सवाल उठाए, साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में जनता के मुद्दे नहीं उठाए जाते। पप्पू यादव की माने तो जब सदन गूंगी और बहरी हो जाए तो लगता है कि पूरी तरह सदन को बंद कर देना चाहिए। पप्पू यादव इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि इतना बड़ा चिरकुट स्पीकर तो मैंने लाइफ में नहीं देखा। रोजगार के मुद्दे पर राजद ने किया विरोध प्रदर्शन। बीते दिन बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में राजद की तरफ से लगातार रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। राजद की तरफ से रोजगार के मुद्दे पर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। वहीं माले ने महिलाओं के लिए आयोग गठन की मांग की है। बिहार में महिला आयोग का गठन नहीं हुआ है और लंबे समय से मामला लटका हुआ है। माले विधायक सुदामा प्रसाद ने बताया कि लगातार महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, आयोग का गठन तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। राजद के विधायक आलोक मेहता का कहना था कि सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा चुनाव में किया था, लेकिन बजट में भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। सरकार अपने वादे से मुकर रही है, हम लोग सरकार को उसका वादा याद दिला रहे हैं। जेईई मेन की परीक्षा में छात्रों को नहीं मिलेगा अपना मन पसंदीदा परीक्षा केंद्र। हाल ही में जेईई मेंस 2022 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह साफ किया है कि इस बार जेईई मेंस परीक्षा में परीक्षार्थियों को अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा। इसको लेकर एनटीए ने स्पष्ट किया है कि आवेदन पत्र में दिए गए पते के आधार पर ही परीक्षा केंद्र का आवंटन किया जाना है। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण एनटीए ने छात्रों को परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प दिया था, जिससे कि छात्र बिना किसी परेशानी के अपने पास के केंद्र का विकल्प चुन सके और परीक्षा दे सके। इसको लेकर उस समय आवेदन के दौरान ही छात्रों से आधार की जानकारी मांगी गई थी। वहीं परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड वाली फोटो की रियल टाइम क्रॉस चेकिंग होने वाली है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। पश्चिम बंगाल में 1788 में कलकत्ता गजट का पहला प्रकाशन हुआ। नई दिल्ली में 1951 में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर मदन लाल मधु को 2008 में प्रतिष्ठित सम्मान मीडिया यूनियन से स्वर्णाक्षर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान के पोखरण से 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया गया। हिंदी के लोकप्रिय साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का 1921 में जन्म हुआ। 1922 में प्रसिद्ध गुजराती रंगमंच और फिल्म अभिनेत्री दीना पाठक का जन्म हुआ। मध्य प्रदेश स्थित विजय राघवगढ़ के राजकुमार और प्रसिद्ध साहित्यकार ठाकुर जगमोहन सिंह का 1899 में निधन हुआ। आज के दिन को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय टीम के टेस्ट क्रिकेट में सफलता का श्रेय विराट कोहली को। विराट कोहली आज अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, जिसको लेकर उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। हालांकि इन सबके बीच बीते कई दिनों से विराट कोहली के फॉर्म को लेकर चर्चाएं तेज थी। इन सबके बीच भारतीय टीम के फुल टाइम कप्तान रोहित शर्मा ने पूर्व कप्तान विराट कोहली के 100वें टेस्ट मैच से पहले उनकी जमकर तारीफ की। रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस प्रारूप में टीम को अच्छी स्थिति में लाने का श्रेय विराट कोहली को जाता है। रोहित श्रीलंका के खिलाफ शुक्रवार से होने वाली पहले टेस्ट मैच में टेस्ट कप्तानी में पदार्पण भी कर रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है आयुष राज, किशन कुमार, गौतम कुमार, अखिलेश यादव, यादव जी, मंजय कुमार, अतीक खान, पूजा कुमारी, अमरेंद्र कुमार, यादव किंग, कुंदन कुमार, गौतम सिंह, विकास कुमार, प्रतिमा कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में मजदूरों के विकास के लिए बिहार सरकार ने सराहनीय काम किया है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।